हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज शोलेज। मेरा नाम है प्रिंस और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से लिजर्ड्स या कहें कि छिपकलियां हमारे घरों की दीवार पर चल पाती हैं और आसानी से उन पर पकड़ बना पाती हैं। सो आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो देखिए फ्रेंड्स, इस पूरी दुनिया में छिपकलियों की या कहें लिजर्ड्स की तकरीबन 6,000 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। अब ये स्पीसीज दो तरीकों से दीवारों पर पकड़ बना पाती हैं। पहला है वैक्यूम के जरिए और सेकंड है स्टैटिक फोर्स के जरिए। जो हमारे घरों में जो छिपकलियाँ होती हैं वे वैक्यूम के जरिए काम करती हैं। इन छिपकलियों के पैरों में हज़ारों की तादाद में सक्शन होल बने होते हैं। अगर आपको नहीं पता सक्शन होल क्या होते हैं, तो सक्शन होल एक आधी कटी बॉल जो होती है उस बिल्कुल एग्जैक्ट उसी की शेप के होते हैं और बाल की मोटाई जितने साइज़ के वे उसी की शेप में इन छिपकलियों के पैरों में होते हैं। अब ये छिपकलियाँ करती क्या हैं कि ये दीवार और अपने पैरों के जो सक्शन होल है उनके बीच में एक वैक्यूम बनाती हैं और वही वैक्यूम का जो फोर्स होता है उनको दीवार पर चिपकाए रखता है। ये छिपकलियाँ अपने जो सक्शन होल होती हैं उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर पाती हैं और जिसकी वजह से वे दीवारों पर चल पाती हैं। वे अपनी मर्जी से उन सक्शन होल में प्रेशर क्रिएट कर सकती है और उनको ख़त्म भी कर सकती है। बात करें अगर स्टैटिक फोर्स की, तो इस चीज़ का यूज़ जो वाइल्ड छिपकलियाँ होती हैं वो यूज़ करती हैं। ये एक्चुअली करती क्या है कि इनके पैरों में हज़ारों लाखों की तादाद में छोटे छोटे बाल होते हैं। ये बाल चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। ये छिपकलियाँ अपनी मर्जी से उसमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर पाती हैं। मान लीजिए अगर ये छिपकलियाँ किसी पेड़ से चिपक रही हैं, तो अगर उस पेड़ में नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने पैरों के बालों में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करती हैं। सो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़ते हैं तो एक स्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है और ये छिपकलियाँ आसानी से पेड़ों पर या जो जंगलों की जो बाकी चीज़ें होती हैं उन पर आसानी से चिपक पाती हैं। ये छिपकलियाँ भी जिस तरह से घरों के दीवार पर छिपकलियाँ होती हैं वो अपने वैक्यूम के सक्शन होल को कंट्रोल कर पाती हैं, इसी तरह से ये छिपकलियाँ भी अपने बालों में जो चार्ज है उसको प्रोड्यूस कर सकती है और अपनी मर्जी से ख़त्म भी कर सकती है और इसी की वजह से वो उन पर आसानी से पेड़ों पर या बाकी चीज़ों पर चल पाती है। सो गाइस, ये थी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से ये छिपकलियाँ वर्टिकल चीज़ों पर, दीवारों पर या फिर कहीं की पेड़ों पर आसानी से पकड़ बना पाती हैं और चल पाती हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर पसंद नहीं भी आई तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और ऐसी वीडियो आप फ्यूचर में देखना चाहेंगे तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबा दीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसके साइड में उसको भी दबा दीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा आपका उसको जल्दी से जल्दी पता लग पाएगा और जल्दी से जल्दी आप उस वीडियो को देख पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।